बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम काठियावाड़ी छोले की रेसिपी शेयर करेंगे। ये आधा कप ऑयल है, चार उबले हुए आलू, एक पाव चने, चार टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जो मैंने घोल कर रखा हुआ है, ये डेढ़ टेबलस्पून पिसी हुई मिर्च, आधा टेबलस्पून हल्दी, हसबे जायका या डेढ़ टेबलस्पून चाट मसाला, नमक हसबे जायका, ये चाइनीज़ नमक है आधा चम्मच, और थोड़ा सा फूड कलर और दो हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम ये हल्दी डालेंगे, पिसी हुई मिर्च डालेंगे इसमें, नमक और चाइनीज़ नमक डालेंगे। थोड़ा सा नमक मैंने चनों में बॉईल करते हुए भी डाल लिया था। चाट मसाला हम बाद में डालेंगे मसाला भून कर। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला नहीं जले। मसाला तकरीबन हमारा भून चुका है, इसमें हम डालेंगे चने जो हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, और ये बॉईल आलू जो छोटे छोटे काटे थे हमने। तकरीबन इसमें दो गिलास पानी डालेंगे, इसे 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब ये जो चाट मसाला और हरी मिर्च और ये फूड कलर डाल दिया मैंने। अब ये डालेंगे कॉर्नफ्लावर, ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, मैं इसको सर्व कर रही हूँ। इससे पहले हम थोड़ी सी पापड़ी डालेंगे, थोड़ी सी प्याज, टमाटर और थोड़ा सा हरा धनिया। और ये हमने चटनी बनाई हुई है ग्रीन, इसके साथ इसको सर्व करेंगे। पुदीने की चटनी है, जैसे भी आप बना सकते हैं। थोड़ी सी इमली डाली थी और पुदीने की चटनी है, ये देखो। थोड़ी सी चटनी इस पर। आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।